जल्दी से इस सूट को मैं बढ़िया तरीके से बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा यह ब्लू हल्कबस्टर का सूट तो बहुत ही नूब है। अरे सर प्लीज़ ऐसे मत बोलो। अबे सच बोल रहा हूँ बेवकूफ़, मैं तूने किया है क्या आज तक? हाँ, सिर्फ मुझे धोखा दिया है। और आज मैं इस बड़े से ब्लैक सूट को बनाऊंगा, और उसके बाद मैं अपने लिए एक जायंट सूट भी बनाऊंगा, दुनिया का सबसे ही बड़ा गॉड अल्ट्रा रिचेस्ट आयरन मैन बन जाऊंगा, वो भी हल्कबस्टर के लेवल पे। तो एक काम करता हूँ, मैं सूट तो बना लिया है, अब चलो इसको पहन कर देखते हैं। और ए ब्लू हल्कबस्टर, तूने सफाई नहीं की। अरे सर प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं भी गॉड अल्ट्रा रिचेस बनना चाहता हूँ। अबे तू मेरी बातें सुनता है नहीं, हाँ अपनी चलाने की कोशिश करता है हमेशा, इसीलिए तू मुझसे पिटता है। निकल यहाँ से आज के बाद, आ मत जाना। अरे प्लीज मत मारो, मुझे माफ कर दो, तेरे लिए माफी नहीं सजा बहुत है, समझा? अब चुपचाप निकल यहाँ से। क्या ही बढ़िया सूट है, मुझे अभी एक और जायंट सूट बनाना पड़ेगा, वो भी दुनिया का गॉड रिचेस्ट वाला, एकदम मजा आ जाएगा। अरे गाइस मुझे टोनी सर ने बाहर निकाल दिया, अब मैं कहाँ पर जाऊँ? मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी कौन मदद करेगा? मैं एक ब्लू हल्कबस्टर हूँ, मैं चाहता हूँ दुनिया का गॉड ब्लू हल्कबस्टर बनना, लेकिन मैं कैसे बनूंगा? ये कौन रो रहा है गाइस? ओ माय गॉड, ब्लू हल्कबस्टर भाई कैसा है तू? अरे भाई फ्रैंकलिन, मैं मरना चाहता हूँ। अरे मेरे भाई, ऐसे मरा थोड़ी जाता है, लेकिन हुआ क्या मुझे बताएगा? मुझे टोनी स्टार्क सर ने बाहर निकाल दिया, मुझे बोला मैं फटीचर हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है। तू चिंता मत कर, हम टोनी स्टार्क से एक और मौका मांगेंगे, उसके लिए गाइस मैं एक काम करता हूँ, इस बेचारे का होश बन जाता हूँ। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, और को सब्सक्राइब हो सके तो कमेंट में 80 गेमर ओपी लिख देना, उससे इसका मेरा हौसला बढ़ जाएगा। बिल्कुल गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में 80 गेमर ओपी लिख दो। ओके गाइस, हम ना एक दूसरे के होस्ट बन चुके हैं, अभी देखिए हमारा टैग भी एकदम पुअर आ चुका है, हम हैं इतने गरीब ना। कोई बात नहीं है दोस्तों, आप सभी साथ रहेंगे तो गॉड रिचेस्ट भी बन जाएंगे। एक मिनट, अरे भाई ब्लू हल्कबस्टर, ये टोनी स्टार्क क्या कर रहा है? क्या बढ़िया वेबसाइट मिल गई मुझे तो। एक मिनट, ये कैसी वेबसाइट है? अब जल्दी से काम करता हूं, मैं $100 million का एकदम बढ़िया वाला सूट खरीदता हूँ, दुनिया एकदम शॉक हो जाएगी। ओह माय गॉड, ये क्या टोनी स्टॉक के पास इतना महंगा सूट, वो भी इतना जॉइंट ब्लैक हल्कबस्टर। हाँ भाई, टोनी सर बहुत अमीर है ना, हम तो गरीब हैं। सही कह रहा है यार। गाइस हमें भी ऐसी वेबसाइट ढूंढनी होगी, चलो मैं भी तो निकालू। अरे इस पर तो लॉक लगा हुआ है शॉप पर, मैं काम करता हूँ इस पे क्लिक करके देखते हैं। अरे गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब अब तो, एंड कमेंट में 80 गेमर ओपी भी लिख दो, उससे ना हमारी वेबसाइट अनलॉक हो जाएगी। अरे हाँ गाइस प्लीज कर दो ना हमारे लिए। गाइस मुझे उम्मीद है आप सभी ने 80 गेमर ओपी लिख दिया होगा कमेंट में, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अरे देख भाई ब्लू हल्कबस्टर, हमारी वेबसाइट अनलॉक हो गई, लेकिन सारे सूट बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, $1 million से लेके $100 million तक के। एक मिनट फ्रैंकलिन, अबे मुझे तेरी आवाज आई रही थी, और ये तू इस भिखारी ब्लू हल्कबस्टर के पास क्या कर रहा है? निकल यहां से, तुझे जान से मार दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब तो तू गुलाम बनेगा बेटा मेरा। नहीं नहीं गाइस, टोनी स्टार्क ने तो हमें देख लिया, अब जल्दी से सूट को पहनता हूँ, इसकी रियल पावर भी तो चेक करता हूँ। अच्छा हुआ ब्लू हल्कबस्टर और फ्रैंकलिन तुम लोग आ गए, अब अच्छे से तुम्हें पीट पीट कर तुम्हारी पावर्स पे अपना पावर्स का जोर दिखाऊंगा। प्लीज जोर दे, मिट्टी का तेल है बेटा, इसको बहुत ही खतरनाक तेल बोलते हैं, अब बुरी तरह से तू जलेगा फ्रैंकलिन, और साथ साथ में हल्कबस्टर तू भी। गाइस प्लीज हेल्प अस, ये हमें मार देगा, हम इतने गरीब हैं फिर भी ऐसा कर रहे हैं। प्लीज छोड़ देना, प्लीज टोनी सर हमें छोड़ दो। अबे चुप करो, रोना तुम गरीबों की आदत है, और तुम जैसों की बैंड बजाना हम अमीरों की। क्या हालत हो रही है, प्लीज छोड़ देना, इतना बुरा कौन चलाता है? यही होना चाहिए तेरे साथ बेवकूफ फ्रैंकलिन, ये ले। मजा ही आ गया, चलो मैंने इनकी अच्छी खासी बैंड बजा ली, बहुत मजे हो गए, बाकी मजे कल लूंगा, शायद अभी तो इसकी हालत बेहोश जैसी हो गई है। मैं जाके पैसे वैसे कमाता हूँ, मुझे और ज्यादा बड़ा साम्राज्य बनाना है अपने ब्लैक हल्कबस्टर की आर्मी का। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं अब। गाइस मैं यहाँ से निकलना होगा, हटाओ मुझे बाहर निकलने दो, मैं बहुत बुरी तरह से चल रहा हूँ, जल्दी चल, जल्दी चल भाई। ओके ओके गाइस फाइनली, मैं बहुत बुरी तरह से चल रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा, हमें कोई मिशन करना होगा, हमें किसी की मदद करनी होगी जिससे मुझे पैसे मिल जाए, वरना टोनी स्टार्क मुझे जिंदा चला देगा। अब जब आगे इसको पता नहीं चलना पाए हमने उसको किडनैप किया है। क्या इन लोगों ने किसी को किडनैप किया हुआ है? किसको किडनैप किया हुआ है तुम लोगों ने? गाइस कुछ तो गड़बड़ चल रही है, हम ना बताएं भैया मर जाएंगे, लेकिन बताएंगे ना। गाइस जरूर इन्होंने किसी कीमती जरूरी इंसान को किडनैप कर रखा होगा, अगर मैंने उसको बचा लिया तो यहाँ पर मैं शहर का भला भी करूंगा, और क्या पता वो इंसान खुश होकर मैं पैसा दे दे और टोनी स्टार्क से हम बच पाए। बिल्कुल भाई फ्रैंकलिन, हमें ये करना ही होगा वरना हम मर जाएंगे। सही कह रहा है तू भाई, तू चिंता मत कर, हम यहाँ पे अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। गाइस मैंने इन सबको पीट दिया, चलो इनके अड्डे पे चलते हैं। अरे भैया वो क्या, अरे बाप रे कोई तो आ गया, वो गुंड
गुंडे लोग बाहर खड़े, मुझे बाहर देखे अगर मैं यहाँ से गया तो। सर आप चिंता मत कीजिए, जितने भी गुंडे लोग थे मैंने सबको मार दिया। आप प्लीज बताइए आपका नाम क्या है। मेरा नाम है धनमेंद्र और मैं बहुत कमाल तरीके का बिजनेसमैन हूँ। आपने मेरी मदद की इसलिए मैं आपको कुछ पैसों से नवाजना चाहता हूँ। ऐसा क्या? ओह माय गॉड, कुछ पैसे क्या, ये तो $1 million है गाइस। लिटरली में $1 million में तो हम पुअर से रिच बन ही जाएंगे। ऑलराइट गाइस, अभी समय आ गया स्मार्टफोन निकालने का। और देखिए जो लॉक्ड वाला प्रोफाइल दिख रही है आपको 1 million वाले की। ओह माय गॉड गाइस, ये सूट तो सच में मेरा लाइफ सेवर है। कितना प्यारा सूट है ये, है ब्लू पनिशर। और गाइस हमारा टैग भी बदल गया बिल्कुल भाई। फ्रैंकलिन मुझे रोना आ रहा है। ये खुशी के आंसू है पगले। मैं जानता हूं। चल मेरे साथ जल्दी चलते हैं, अभी हमें और पैसा कमानी होगी। एक मिनट गाइस, ये क्या न्यूज़ आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़। शहर में ज़ॉम्बी आयरमैन का हमला, पता चला है टोनी स्टार्क की गलती की वजह से जायंट ज़ॉम्बी आयरमैन आ गया दुनिया में। बचाओ, कोई तो मारो उसको। गाइस ये क्या, हमारे शहर में टोनी स्टार्क की गलती की वजह से ज़ॉम्बी आयरमैन आ गया। कहीं उसने तो नहीं खरीदा। सबको मार दूंगा, इंसान बहुत टेस्टी है, सबको खा जाऊंगा। गाइस ये कितना जायंट है, ओह माय गॉड, ओ हमारे शहर को छोड़ दे, सबको खा जाऊंगा। काफी टेस्टी लोग हैं ये तो। गाइस हमारे शहर के वासियों को खा रहा है। अरे भाई फ्रैंकलिन, हमें इन मासूम लोगों को बचाना होगा। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। कमेंट में जरा एक बार फ्रैंकलिन ओपी लिख दो या फिर एटी के बारे ओपी। आप हमें सपोर्ट करते हैं ना, तो प्लीज ये जरूर लिखना। चल निकल यहां से, वरना मार दूंगा तेरे को। कौन है तू? गाइस जरूर इसको टोनी स्टार्क ने किसी वजह से यहां भेजा होगा जिससे कि वो दुनिया को बचा के भलाई ले और पैसे कमाए। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, यहां पर मैं तुझे रोक के रहूंगा। अरे बाप रे, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये ले, ये तो बहुत खतरनाक है। अरे भाई फ्रैंकलिन हम क्या करें, मुझे खुद नहीं पता। हेल्प मी, कोई तो बचा मुझे। मैं तेरे को बुरी तरह से खा जाऊंगा। अरे गाइस क्या ही हालत कर रहा है ये मेरी। नाउ प्लीज नो। ओके मैं बच गया, कुछ तो बचा बाल। लेकिन गाइस मैं इसको हराऊं कैसे। ये काम भी हमें जरूर ऑनलाइन किसी वेबसाइट से पता करनी होगी। चलो काम करते हैं, स्मार्टफोन निकाले। अरे पता चला है टोनी स्टार्क के पास एक ऐसी सुपर ग्रीन गन है जिसका इस्तेमाल करके वो इस ज़ॉम्बी आयरन को हरा सकता है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। प्लीज टोनी स्टार्क बचाओ। क्या गाइस मैं सही था, टोनी स्टार्क के पास इसका सॉल्यूशन है। जरूर टोनी स्टार्क की कोई स्ट्रेटेजी होगी इसको शहर में भेजने की जिससे कि वो वापस एक और बार हीरो बन जाए। लेकिन एंड में आके, लेकिन मैं गाइस मासूम लोगों की जाने नहीं जाने दूंगा। टोनी स्टार्क देखिए। हाँ ठीक है थोड़ी और तबाही करने दो, बाद में आ जाऊंगा अच्छी तरह से। हाँ बिल्कुल, या पैसे कमाने होते हैं तुम्हें क्या पता। गाइस देखिए टोनी स्टार्क की स्ट्रेटेजी कितनी गलत है। बिल्कुल ये हम गरीबों को सताते हैं अमीर लोग। इसको तो गाइस मैं बाद में देखूंगा, लेकिन फिलहाल इस गन को चुपचाप यहाँ से लेके चलते हैं। इस गन का इस्तेमाल करके मैं उस ज़ॉम्बी आयरन को पीट दूंगा और शहर वाले मुझे एक सुपर हीरो की तरह ट्रीट करेंगे। बिल्कुल भाई तू सुपर हीरो है, ये ले। अरे मार दिया, ये क्या ना। गाइस क्या ही हालत की मैंने उस ज़ॉम्बी आयरन की, एक ही गोली में कहाँ उड़ता चला गया वो। ऑलराइट दोस्तों आप पुलिस को कॉल करें। हेलो सर, मैंने आपका काम कर दिया, प्लीज हो सके तो जल्द से जल्द पेमेंट कर दीजिए, मेरी हालत खराब। ठीक है शुक्रिया सर, $20 million कर रहे हैं आपको। $20 million, ओ भाई ब्लू हल्कबस्टर देख हमको। अरे वाह फ्रैंकलिन भाई, $20 million में तो हम एक और सूट खरीदेंगे। बिल्कुल खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे। ऑलराइट गाइस एक मिनट, ये तो मुझे थोड़ा सा बिगेस्ट लग रहा है ना, चलो इसको बाय। अरे वाह सच में मेरी हाइट पहले से बेटर हो चुकी है। और गाइस एक और चीज, हमारा टैग अब अल्ट्रा रिच बन चुका है। याहू गाइस, अब अगर टोनी स्टार्क को पता चल गया कि हमने उसकी चोरी की थी गन, उसका पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया, तो वो हमें मारने वाला है। इसलिए काम करते हैं, हमने शहर से भाग चलते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है फ्रैंकलिन, वो हमें छोड़ेगा नहीं। मजा ही आ गया। एक मिनट, अबे मेरी गन कहां चली गई। जावेस मेरी गन कहां पर है। जार्विस, अबे जार्विस तो जवाब ही नहीं दे रहा, जरूर किसी ने चोरी किया। अपना जायंट हल्कबस्टर पहनता हूँ। सर अभी पता चला है उस स्टॉक मेंशन में ब्लू हल्कबस्टर आया था। क्या ब्लू हल्कबस्टर आया था, इसका मतलब उस फ्रैंकलिन ने मेरा प्लान चौपट कर दिया। मैं करोड़ों कमा सकता था, लोगों की जाने बचा के सरकार से करोड़ों ले सकता था। फ्रैंकलिन कहाँ जा रहा था। अरे नहीं दोस्तों, इसने रास्ते में ही मुझे पकड़ लिया। भाई मैं तो असल में पैसे कमाने के लिए विदेश जा रहा था। बकवास बंद कर, लोग विदेश से यहाँ आते हैं पैसे कमाने के लिए, तो विदेश जा रहा है यहाँ इस देश को छोड़ के। तो चुपचाप बता मेरी सुपर गन का है। अरे भाई फ्रैंकलिन अब तो हम मरे, क्या करें। ओह नो गाइस, कमेंट में हल्कबस्टर ओपी लिखो, नहीं तो ये हमें छोड़ेगा नहीं। मैं तुझे फाड़ के रख दूंगा फ्रैंकलिन। बेवकूफ, कहीं के तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्लान चौपट करने की। नो प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दे। और यहां से जान से मार दूंगा मैं तुझे। ओह नो नो नो, ये कितनी भी तरह से चला रहा है मुझे। अरे भाई फ्रैंकलिन हमें भागना होगा यहां से, प्लीज चल भागते हैं। बिल्कुल तू सही कह रहा है, भागो 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 भागो। ओके
गाइस मैं अभी ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा हूँ, देखिए मेरा तो कंधा भी टेढ़ा हो गया पिट पिट के, मुझे पैसे चाहिए। आइडिया, हम ना स्टॉक मैन से चलते हैं, टोनी स्टॉक का सारा सोना चुरा लेंगे। बिल्कुल भाई फ्रैंकलिन, लेकिन स्टॉक सर आ गए तो उसके आने से पहले ही हम यहाँ पे गॉड अल्ट्रा रिच बन चुके होंगे, उसके बाद हम उसकी ब्लैक हल्कबस्टर की आर्मी को हरा देंगे और हम दुनिया के सबसे रिचेस्ट ब्लू हल्कबस्टर बन जाएंगे। ओह माय गॉड गाइस, टोनी स्टॉक के घर पे इतना सोना, ओह माय गॉड गाइस। अब एक काम करते हैं, इस सारे सोने को ना अपने अकाउंट में ऐड कर लेते हैं, इससे पहले कि स्टॉक आए हम सारे अकाउंट को अपने सोने को भरी लेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, पता नहीं गाइस ये कितना होगा। अरे वाह, ये तो 100 मिलियन डॉलर का था। ऑलराइट दोस्तों, यहां पर काम करता हूं, निकालता हूं स्मार्टफोन। अरे गाइस देखिए, 100 मिलियन डॉलर का सूट है जो कि लॉक्ड पड़ा है, क्यों ना मैं इसको लॉक करके देखूं। अरे ये तो एक ब्लू हल्कबस्टर ही, ऐसा क्या खास है इसमें, चलो बाय करके देखते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं जायंट गॉड अल्ट्रा रिच हल्कबस्टर बन चुका हूं, याहू। अरे वाह भाई फ्रैंकलिन, मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। तो अब समय आ गया गाइस टोनी स्टार्क की आंखों में आंसू लाने का, लेकिन खुशी के नहीं गम के, क्योंकि अब मैं उसकी ब्लैक हल्कबस्टर की फैमिली को हराने वाला हूं। फ्रैंकलिन अबे ये क्या, तू तो अभी नीचे मरा पड़ा था, यहां कैसे आ गया? तू इतना ऊंचा हो गया कि कभी नीचे के लोगों को देखता ही नहीं है, चल क्या रहा है? तुझे पता भी नहीं चला कि मैं तेरे स्टॉक मेंसर पहुंच गया था, और वहां जाने के बाद मैंने तेरा सारा सोना चुरा लिया और उसका इस्तेमाल करके मैंने अपने आप को गॉड अल्ट्रा रिच बना लिया, और अब मैं तेरी ब्लैक फैमिली को हरा दूंगा। अबे बेवकूफ तो नहीं, गाइस आप प्लीज कहीं मत जाइएगा, आज हम इसको हरा के अपनी फैमिली को 500 600 मिलियन डॉलर तक पहुंचाएंगे। ये ले, अबे माफ कर दे फ्रैंकलिन, नहीं 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 अबे मैं तो मजाक कर रहा था, ये ले। तो गाइस फाइनली हमने टोनी स्टार्क को हरा दिया। नो माय गॉड, मैंने उसके डिफीट किया ना उसके सूट को, तो मेरे अकाउंट में 100 मिलियन डॉलर आ चुके हैं। चलो गाइस, आप सभी को मुझे एक बढ़िया सा सरप्राइज देना है, तो अभी कहीं जाइएगा मत, चलो जल्दी चलते हैं। ऐसा क्या सरप्राइज है फ्रैंकलिन? ये देखो गाइस, यहां पर अब स्टॉक मेंशन का नया मालिक मैं बन चुका हूं, साथ साथ में गोल्ड जितना भी है वो सब अब मुझे मिल गया है। अरे वाह फ्रैंकलिन, हम तो गॉड अल्ट्रा रिच ब्लू हल्कबस्टर बन गए। बिल्कुल गाइस, अगर आप चाहते हो हम इसी तरह से और भी ज्यादा अमीर हो तो प्लीज कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। और हां, बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।